फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल इससे पहले वाली क्लास में हमने SP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम SP3D हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। SP3D हाइब्रिडाइजेशन में एक S, 3P और एक D कक्षक हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और SP3D हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। SP3D हाइब्रिडाइजेशन 4 टाइप्स का होता है। AB5 इस प्रकार में केंद्रीय परमाणु A होता है, जो कि 5 बंध युग्म से घिरा हुआ रहता है। इसमें 5 बंध युग्म होते हैं और इनकी ज्यामिति और इनके बंध कोण जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्मों से अप्रभावित रहते हैं। इसका एग्जांपल है PCl5, ASF5, SBF5 एसेट्रा। AB4L प्रकार दूसरा है। AB4L प्रकार, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में A जो है वो 4 बंध युग्मों से और एक एकाकी युग्म से घिरा हुआ रहता है। इसका एग्जांपल है SF4। फिर AB3L2। इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा बंध युग्म और 2 एकाकी बंध युग्म होते हैं। फोर्थ है हमारा AB2L3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें केंद्रीय परमाणु 2 बंध युग्मों और 3 एकाकी युग्मों द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसका एग्जांपल है XeF2 या I3-। ये सभी प्रकार जो है ये SP3D हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। मैं इनमें एकाकी युग्म और बंध युग्म की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इनकी बेसिकली जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है और इनके बंध कोण के मान 120 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं। इनमें जो सिग्मा बंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अक्षीय सिग्मा बंध और तलीय सिग्मा बंध, एक्सियल और इक्वेटोरियल सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लंबाई इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है और क्योंकि वो इक्वेटोरियल बंध इलेक्ट्रॉन युग्मों से प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जिसके कारण वो दूर चले जाते हैं और उनकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए अक्षीय बंध की लंबाई बढ़ जाती है। अब हम इसमें SP3D हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम लेते हैं AB5 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें A जो है सेंट्रल एटम है और B जो सराउंडिंग एटम्स है और 5 जो होते हैं वो समान बंध युग्मों से बंधे रहते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं, हम PF5 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। फास्फोरस जो है वो केंद्रीय परमाणु होता है, इसके 5 बंध बनाता है ये फ्लोरीन परमाणु के साथ। PF5, PCl5 इनका सेम प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 होता है, अतः फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसके पास 5 फ्लोरीन के एटम हैं, अतः इसे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः फ्लोरीन के 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 3d वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। अब इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब ये 5 कक्षा 1s में, 3p में और 1d में होता है। ये 5 कक्षा आपस में हाइब्रिडाइज होकर समान ऊर्जा के और समान आकार के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम SP3D कक्षक कहते हैं। अब ये जो SP3D कक्षक होते हैं फास्फोरस के, ये फ्लोरीन के 5 एटम के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और PF5 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसकी जो आकृति होती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल होती है और इसमें एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल
फ्लोरीन एटम के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमने PF5 का एग्जांपल लिया। अब हम नेक्स्ट इसका टाइप लेते हैं, AB4L प्रकार का SP3D हाइब्रिडाइजेशन। इसका हम एग्जांपल लेते हैं SF4। इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम जो है वो 4 बंध युग्मों से और 1 एकाकी युग्म से जुड़ा हुआ होता है। S में S जो है वो केंद्रीय परमाणु होता है और यह 6 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 सिग्मा बंध बनाने में और 1 एकाकी युग्म के भांति इसमें यूज़ होता है। हम देखते हैं कि कैसे इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सल्फर का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p4। इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास जो सराउंडिंग एटम्स की संख्या होती है वो 4 होती है, अतः इसे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो जो पी के पास, जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें 3s2 3p4 होता है और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए 3p में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर डी में चला जाता है और इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब इसके जो बाह्यतम कक्षक होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होकर समान ऊर्जा के 5 कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन 5 कक्षकों में से एक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s2 के, जो कि अनपेयर्ड नहीं होते हैं। ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लॉन पेयर की तरह बिहेव करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को भी विकृत कर देते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल्स सल्फर के चारों तरफ sp3d शेप में उपस्थित रहते हैं। इनमें से एक ऑर्बिटल में एक लॉन पेयर होता है। ये चारों कक्षक फ्लोरीन परमाणु के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है, एस के sp3d ऑर्बिटल और एफ के पी ऑर्बिटल के बीच की जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम sp3dp ओवरलैपिंग कहते हैं। क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है जो कि इसकी शेप को डिस्टोरेटेड कर देता है, इसके कारण इसकी आकृति को हम विकृत चतुष्फलकीय कहते हैं और इसके बंद कोण के मान भी थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बंद कोण के मान 93.5 डिग्री तथा 129.3 डिग्री होता है। अब हम नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा AB3L2 प्रकार का SP3D हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम इसका एग्जांपल लेते हैं ClF3NO। ClF3NO में 3 सिग्मा बंध व 2 एकाकी बंध युग्म होते हैं। ClF3NO का केंद्रीय परमाणु Cl होता है जो कि SP3D हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इसका Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5 होता है। इसके पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके सराउंडिंग एटम्स में 3 फ्लोरीन एटम होते हैं, अतः इसे बंध बनाने के लिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसमें 3p में एक युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक एक्साइटेड होकर 3d ऑर्बिटल में चला जाता है और इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये 5 कक्षक आपस में संक्रमित होकर समान ऊर्जा के 5 कक्षक बनाते हैं। इनमें से 2 में पेयर और 3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें हम sp3d कक्षक कहते हैं। ये सभी sp3d कक्षक 3 जिनके पास के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है के साथ शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ClF3 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर के कारण इसकी
आकृति और ज़्यादा डिस्टोरेटेड हो जाती है। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसकी शेप में उतनी ही ज़्यादा विकृति आती है। इसके ज़्यादा रिपल्शन के कारण इसकी जो फ्लोरीन एटम एक्सियल वाले जो फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन के जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से झुक जाते हैं। इसीलिए इसे हम इसके शेप को बैंड टी शेप कहते हैं। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 87.5 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से CLF3 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।